पुरानी पेंशन बहाली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 का विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर 18 संगठनों को जोड़कर बनाई गई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुवार को मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर एक दिवसीय धरना दिया। समिति के पदाधिकारियों और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जन विरोधी बताते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में पास होने वाला ये बिल हितकारी नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 का विरोध करते हैं। धरने में इंजीनियर ऐश्वर्या सिंह, पीपी पांडे, प्रभुनाथ प्रसाद, अखिलेश गुप्ता, इंजीनियर नीति मिश्रा, अभिषेक सिंह, इंजीनियर नवनीत सिंह, ध्रुवचंद, राम विलास खरवार, संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य इंजीनियर्स और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, गठबंधन के खिलाफ ये काम करते हैं। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, मैं यहाँ के क्षेत्रीय सचिव हूँ विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का एक संगठन है, जो सभी संगठन इसमें सामूहित हैं, जिसमें अभियंता संघ भी है, विद्युत पंचायत संघ है, राज्य विद्युत प्रावधिक कर्मचारी संघ है, कई 18 संगठन हम लोग साथ बनाया गया एक संघर्ष समिति। इनका एक ही मोटो है, जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, यह विद्युतकरण को प्राइवेट के हाथों में बेचने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका विरोध करना, क्योंकि इससे न कर्मचारियों का हित है और न ही आम उपभोक्ताओं को जो हमारे बिजली उपयोग कर रहे हैं। इसको जब व्यापारीकरण में ला देंगे, जो भी व्यापारी आएगा अपने लाभ के प्रति सोचेगा और अपनी बिजली महंगी बेचेगा, जिससे आम जनता को दिक्कत होगी। इसी का हमारा घोर विरोध है। दूसरा है हमारा है कि पेंशन बहाली, जो दो पावर कॉर्पोरेशन में, जब पावर कॉर्पोरेशन को विद्युत परिषद से पावर कॉर्पोरेशन तोड़ा गया तो 2000 से हमारा पेंशन बंद है, और सभी सरकारें के जो सरकारी विभाग में 2004 से उनका बंद है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारी सरकारें हैं वो भी पेंशन बहाली जल्द से जल्द इसको करें, कि हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग धरने बैठे हुए हैं। सबसे मुख्य मुद्दा हम लोग का है जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बिल 2018 एक शीतकालीन सत्र में पास करने के लिए योजना जो बना रही है केंद्र सरकार, इस पर हम लोग जोरदार विरोध है कि ये जो आने वाली सत्र है इसमें पास न कर पाएं। इसका कर्मचारी संगठन सभी विरोध कर रहे हैं।